लखनऊ बाल शिव की प्रतिमा मनकामेश्वर में भेंट की गई गणेश द्वार से गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। एमटीवी के नए धारावाहिक बाल शिव के कलाकार भी रहे उपस्थित। श्री महंत देवयागिरी की उपस्थिति में किया गया पूजन। श्री महंत ने कहा कि बाल्यावस्था में सुसंस्कार देने से तैयार होंगे जिम्मेदार नागरिक। संवाददाता रजत भारती। आज मूर्ति भेंट की गई है, क्या कहना चाहती है इस पर? स्वरूप में मूर्ति का विग्रह है वो है एनडीटीवी के द्वारा एक धारावाहिक आएगा बीसीबी बाल शो, उसका शुभारम्भ होने से पहले उन्होंने ये प्राचीन मंदिर शुरू किया, तो आज वो मंदिर को भेंट करे हैं। जो एक तो बाल संस्कार होने चाहिए बच्चों में, वो तो डेवलप होगा ही इन धारावाहिक के माध्यम से, और बच्चे जो नहीं कहानी या कथा के माध्यम से जो एक लुप्त हुई प्रथा थी कि बच्चे बड़े पहले बच्चों को कथा सुनाते थे, वो अब थोड़ा सा डेवलप होगा धारावाहिक के माध्यम से कि वो थोड़ा सा जानकारी भी प्राप्त कर लें, जागरूक भी होंगे, एक जो संस्कार आने चाहिए बचपन में वो अवश्य। मैम, इससे पहले भी कई धारावाहिक कहानी शिव जी के ऊपर बनी है, ये बाल रूप शिव के ऊपर बनी है, इस पर क्या मतलब किस बाल शिव का बहुत ही कम देखने को मिलता है, सुनने को भी कम मिलता है, परंतु माता अनसुईया से जुड़ी हुई जो कथा है वो बाल शिव के रूप में थोड़ा सा जागरूकता बच्चों के प्रति आवश्यक है और इसको जानना भी चाहिए।